नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव में होली पर सज गए बाजार, छोटा भीम कार्टून्स की पिचकारियों की डिमांड। शुगर फ्री गुजिया लोगों को आ रही पसंद, इस बार व्यापारियों को होली पर उम्मीद जगी है। रंग गुलाल व पिचकारी से बाजार चहक उठे हैं। बाजारों में अबीर गुलाल आकर्षक पिचकारियों गुजिया नमकीन की दुकानें सज चुकी हैं। पिछले साल का स्टॉक भी निकला है, पर मिसाइल ईगेन पिचकारी, छोटा भीम और डोरेमोन टैंक पिचकारी की मांग बढ़ गई है। होली के मद्देनजर बाजारों में रौनक लौटी है। रंगीन गुब्बारों, पिचकारियों और अबीर गुलाल से बाजार सज गए हैं। हलवाई की दुकानों पर नमकीन और मिठाई सज गई हैं। बाजार में अलग अलग दुकानों पर रंग बिरंगी व आकर्षक पिचकारियां बच्चों का मन मोह रही हैं। पिचकारी, बैलून पिचकारी, पदक पिचकारी, पेंसिल पिचकारी, मेहली व वोडाफोन टैटू पिचकारी, टैग पिचकारी, बैग पिचकारी, गुलाल वाला सिलेंडर आदि पिचकारियां बड़े पैमाने पर बाजार में उतारी गई हैं। मिसाइल ईगेन, छोटा भीम, मौन पिचकारी की मांग ज्यादा है। विभिन्न प्रकार के मुखड़े और अन्य सजावटी सामान से भी दुकानें भरी हुई हैं। शहर की बड़ा चौराहा से दुकानदार गुरप्रीत ने बताया कि 100 रुपए से 2000 रुपए तक की पिचकारी उपलब्ध है। बच्चों में बेंटेन, छोटा भीम पिचकारी की ज्यादा डिमांड है। इस होली देसी घी से बनी गुजिया लोगों को खूब भा रही है। बाजार में घी से बनी गुजिया और शुगर फ्री गुजिया की सबसे अधिक डिमांड है। होली को अब 2 दिन ही बचे हैं। गुजिया नमकीन की बिक्री भी शुरू हो गई है। मिठाई विक्रेता संतोष गुप्ता ने बताया कि घी के अलावा खास मेवा और ड्राई फ्रूट से बनी गुजिया भी तैयार की गई है। अच्छे कारोबार की आस, 2 साल से कोरोना के बाद मंदी के चलते होली के रंग में खलल पैदा कर रहा था। हालांकि इस बार माहौल बदल गया है, जिससे कारोबारी उत्साहित हैं। उन्हें अच्छे कारोबार की उम्मीद है। व्यापारियों ने इस बार शुगर फ्री गुजिया की वैरायटी भी तैयार की है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।